नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आखिरकार 20 साल बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना के दूसरे और ठाकरे परिवार के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को विश्वास मत का आदेश देने के बाद महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का पट्टा शिफ्ट हो गया। इधर पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस्तीफा दिया, उसके दो घंटे बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कुर्सी छोड़ दी। दोनों ने मात्र 80 घंटे सत्ता में रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। इसके बाद शाम को ही बैठक में कांग्रेस, राकंपा और शिवसेना के गठबंधन ने उद्धव ठाकरे को नेता चुना। ठाकरे 28 नवम्बर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सियासी मैदान में शरद पवार से पराजित होने के बाद देवेंद्र फडणवीस के सामने कोई रास्ता भी नहीं बचा था। पवार ने अपने सारे विधायकों को एकजुट रखा और अजीत अकेले पड़ गए। उधर देवेंद्र फडणवीस पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करके अमित शाह गच्चा खा गए और भाजपा की भयानक किरकिरी हुई। नेता चुने जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार जताया और यह भी कहा कि जल्द ही बड़े भाई समान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाऊंगा। बीते 11 माह के दौरान एनडीए ने 4 बड़े राज्यों में सत्ता खो दी है, जबकि 2 छोटे राज्यों में ही उसे सत्ता हासिल हुई है। 2017 में देश की 72% आबादी पर एनडीए का शासक था, जो अब घटकर 41% पर ही रह गया है। इसका असर राज्यसभा में सीधा पड़ सकता है, जबकि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों का हाथ से फिसलना भाजपा के मिशन 2024 के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कांग्रेस, शिवसेना समेत विपक्ष के दलों ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर संसद के संयुक्त सत्र का बहिष्कार किया और सदन के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रही है, महाराष्ट्र मामले में सभी को सबक लेना चाहिए। कांग्रेस के प्रदर्शन पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि संविधान दिवस समारोह राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है, इसमें कांग्रेस समेत विपक्ष की अनुपस्थिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर संसद में आयोजित विशेष कार्यक्रम में कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम भाषण में कहा था कि हमने अपनी गलतियों से ही स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक चरित्र खोया था। उन्होंने कहा कि आज अगर बाबा साहेब होते तो शायद सबसे अधिक प्रसन्न होते, क्योंकि भारत ने लोकतंत्र को और सशक्त किया है। अमेरिका के शिकागो में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में पढ़ रही भारतीय मूल की एक छात्रा की गला घोटकर हत्या कर दी गई। रूथ जॉर्ज नामक यह छात्रा हैदराबाद की रहने वाली थी। आरोपी डोनाल्ड ने उसका पीछा किया और घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। यह फैसला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने किया है और इस बारे में जनरल बाजवा समेत सभी को नोटिस भी जारी किया है। बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।